सीतापुर में अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक युवक को लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बस का पिछला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मामला नेशनल हाईवे का है। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। तीन लोग आए थे, जिनका एक को सर में चोट लगी सुधीर को और दूसरा अंकित है, उनकी आँख में और चेहरा चोट लगी। तीसरे कुलदीप, उनका हाथ चोट लगा, इसमें से सुधीर को ज़्यादा चोट लगी, उनको ट्रीटमेंट करके लखनऊ भेजा जा रहा है। उनको लखनऊ भेजा जा रहा है। अच्छा, बाकी दो सामान्य हैं, ज़्यादा चोट। क्या नाम है आपका? ब्लड तो नहीं है डॉक्टर, कोई और तो नहीं है इसके अलावा? नहीं, तीन लोग अलावा। फतेहपुर में दो तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 भील के पास का है। नशे में धुत बाइक चालक ने तेज रफ्तार में दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तीन लोग, चार लोग आए हैं, दो लोग अलग अलग दो दो बाइक में थे, एक की मृत्यु हो गई है तो उसको हम लोगों ने कार्रवाई करके ही मर्सरी में रखवा दिया है। दो लोगों की भर्ती करके इलाज किया जा रहा है।